दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एनवीएन के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कोरोना काल में होने वाली गिरफ्तारियों की चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के बीच हमारे गृह मंत्री अचानक गायब हो गए। हमको उसकी चिंता हुई तो हमने अपने एक परम मित्र से पूछा कि भाई, आखिर शाहजी कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि अगर किसी डॉन के बारे में मालूम करना हो कि वो क्या कर रहा है, तो देखो कि उसके आदमी क्या कर रहे हैं। इसलिए कि डॉन खुद तो कुछ नहीं करता, उसके आदमी करते हैं। हमने कहा कि ये अच्छा सुझाव है। तो दिल्ली की पुलिस और यूनियन टेरिटरी की पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो हमने सोचा कि आओ ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये पुलिस क्या कर रही है। और इस सिलसिले में हमारी मदद की प्रसिद्ध बुद्धिजीवी प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने। उनकी इस वीडियो में आप खुद उनसे सुनिए कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है। मैं नहीं कह रहा कि आप कोरोना के खिलाफ जंग में बाकी सब काम रोक दीजिए, कतई नहीं कह रहा। लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। अंडमान निकोबार और मेघालय का एक एक किस्सा बता दो। अंडमान निकोबार में 3 दिन पहले एक व्यक्ति को, एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछा कि कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं उनसे फोन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित क्यों किया जा रहा है। ये प्रश्न पूछा, उसके खिलाफ केस, उसको अरेस्ट। मेघालय में एक व्यक्ति ने कहा कि आप कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर इस गांव के नजदीक क्यों बना रहे हैं, यहां आबादी है, आप वहां हवाई अड्डे की पट्टी है, वहां क्यों नहीं ले जाते। ये सुझाव दिया, उसके खिलाफ केस, उसको अरेस्ट किया गया है। असम में अखिल गोगोई एक केस में बरी होते हैं, जेल के बाहर पुलिस खड़ी होती है, उनको दूसरी जगह ले जाती है, उसके बाद तीसरी जगह ले जाती है। और जो दिल्ली में हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पुलिस बाकी काम छोड़ दे, बिल्कुल करे, लेकिन अगर पुलिस के पास इस तरह के काम करने के लिए समय है जिसके मैंने कुछ उदाहरण दिए, तब तो आपको सवाल उठाना पड़ता है कि भाई आजकल आपके पास इतनी फुर्सत है क्या? दिल्ली में वही सब बड़े पैमाने पर हो रहा है जो अंडमान निकोबार या मेघालय या आसाम में हो रहा है, जिसके बारे में हमें अभी योगेंद्र यादव साहब बता रहे थे। इसकी शुरुआत 4 अप्रैल को हुई, यानी लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद। जामिया मिलिया के पीएचडी के छात्र मीरान हैदर को पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। मीरान हैदर आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो सीएए और एनआरसी के लिए चलने वाली संघर्ष में बहुत आगे आगे थे। मीरान हैदर को पकड़ा गया, उन पर रासुका लगाया गया इस आरोप में कि उन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए। अब आप इस वीडियो को देखकर खुद फैसला करें कि ये युवा दंगे भड़का सकता है या दंगों की आग बुझाने वाला है। आज इस प्रोटेस्ट में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा और इस बात को मैं मजबूती के साथ रखना चाहूंगा कि हम सबने, आप सबने मिलके भगत सिंह की उस कुर्बानी को जिंदा किया है जो उन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हुए चुमा था और कहा था कि अपने इस कुर्बानी से एक ऐसे भारत का निर्माण हमारे आने वाले नौजवान रखेंगे जहां पे दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को और इस समाज में रह रहे आखिरी इंसान को उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। साथियों, मैं यहां पे बैठे हुए राधिका अम्मा के जज्बे को सलाम करना चाहूंगा जो पिछले 3-4 सालों से लगातार रोहित मेमुला के इंसाफ की लड़ाई को देश के एक एक गली, एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी तक ले गई। मैं साथ में बैठी हुई नफीस अम्मा, नजीब की अम्मा को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं जो पिछले 2 सालों से लगातार सड़क पर उतर के इस सरकार के दमनकारी और शोषण नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रही है और ये कह रही है कि मेरा नजीब कहां है, मेरा नजीब को ढूंढ के लाओ और जब तक ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक हम तुम्हारे दरवाजे खटखटाते रहेंगे और तब तक नहीं वापस जाएंगे जब तक कि हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। साथियों, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इनको लगा कि 282 एमपी के ब्रूट मेजोरिटी के साथ मैं अब इस देश का बेताज बादशाह बन गया हूं। संसद से जब
तो यूनिवर्सिटी में रह रहे छात्रों ने आंदोलन करने का वादा किया और यह कहा कि इस देश के दलितों, इस देश के किसानों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के मुसलमानों पे, इस देश के छात्रों पे, इस देश के महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ हम उठेंगे और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। क्योंकि जेपी ने कहा था कि अगर, लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। साथियों, हम इस लोहिया को, इस मजबूत आवाज को हमने सड़क पे उतर के इस बात को गवाही दिया है कि चाहे विपक्ष, संसद की विपक्ष कमजोर पड़ सकती है लेकिन सड़क के विपक्ष को हम कमजोर नहीं पड़ सकते। दोस्तों, आपने सुना मीरान हैदर की बातें और फिर उसके ऊपर लगने वाला आरोप, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। मीरान हैदर के एक हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया की एक छात्रा सफूरा जरगर को दंगा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उसको जब न्यायालय के सामने पेश किया गया तो वो गर्भवती थी। न्यायालय को उस पर रहम आ गया और उसने उसकी जमानत मंजूर कर ली, लेकिन हमारी पुलिस को उस पर रहम नहीं आया। उसने उस पर UAPA लगा दिया ताकि न्यायालय उसकी जमानत नहीं मंजूर कर सके। दोस्तों, ये वही सरकार है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती थी और 3 तलाक के जुल्म से छुड़ाने के लिए उसने कानून बनाया। सफूरा जरगर भी एक मुस्लिम महिला है और गर्भवती भी है, और सफूरा जरगर तो कश्मीरी भी है। सरकार ने कश्मीरियों पर अत्याचार खत्म करने के लिए धारा 370 को खत्म कर दिया, लेकिन सफूरा जरगर का होने वाला अत्याचार खत्म नहीं हुआ। इस तरह सरकार ने मानवता के प्रति अपनी सहानुभूति की नकाब खुद अपने चेहरे से निकाल कर फेंक दी। इसके बाद सफूरा के खिलाफ सोशल मीडिया में जिस तरह का हंगामा खड़ा किया गया, जिस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई, हम उसको आपके सामने पेश नहीं कर सकते। इससे सफूरा को जो तकलीफ हुई उसके लिए हम उसके गम में शरीक हैं, लेकिन हम गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सफूरा को गिरफ्तार करके ये बता दिया कि उनके भक्तों की मानसिकता कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं, वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी भाषा है कि अगर वो ट्रोल करने वालों की माएँ बहनें भी सुने तो उनका सर शर्म से झुक जाए, लेकिन इन लोगों को ना किसी और की माओ बहनों की परवाह है ना अपनी माओ बहनों की परवाह। मीरान हैदर और सफूरा जरगर की FIR में प्रख्यात JNU के छात्र और अब तो डॉक्टर उमर खालिद का भी जिक्र है। डॉक्टर उमर खालिद का अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम उस FIR में क्यों है तो वो क्या कहते हैं, आप खुद उन्हीं से सुनिए। तो ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही गृह मंत्री द्वारा संसद के अंदर क्लियर कर दिया गया था, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्लियर है कि जो विरोध की आवाजें हैं इस सरकार को पसंद नहीं है, और खासतौर से विरोध की आवाजें जो आंदोलन में, CA के खिलाफ आंदोलन में निकल कर आई थी, उनको दबाने का एक मौका देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। और लॉकडाउन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लॉकडाउन ऑफ राइट्स, कि हमारी सिविल लिबर्टीज को ही लॉकडाउन कर दिया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बात योगेंद्र यादव जी ने बोली, मैं उसमें एक बात और ऐड करूंगा। एक तरफा तो है ही ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर से जो कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो क्लियरली यहाँ जो CA के खिलाफ आवाजें उठ रही थी उनको जेल के अंदर बंद करने का लंबे लंबे समय तक, और इस चीज का फायदा उठाने का कि आज के वक्त में लॉयर्स मिलने मुश्किल है, आज के वक्त में कोर्ट भी पार्शली चल रहे हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर नहीं हो पाएगा उतना क्लोजली, तो उनको लग रहा है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये लॉकडाउन का पीरियड, जहां जितनी भी आवाजें पिछले 3-4 महीने में उभरी थी उनको दबा दिया जाए। आपने सुना उमर खालिद कह रहे थे कि ये सरकार अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है। इसका शिकार सिर्फ जफूरा जरगर और मीरान हैदर नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और भारत के एक बहुत बड़े विचारक आनंद तनतुंबड़े भी
इसका शिकार हुए हैं। आनंद तल तुमड़े अंबेडकर वादी विचारक हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो गोवा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सीनियर प्रोफेसर हैं। उनकी उम्र 70 साल होने वाली है। उनको सरेंडर करने के लिए सरकार ने जिस दिन का चयन किया वो दिन अंबेडकर जयंती का है, यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार ने आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार करके बाबा साहब अंबेडकर को कैसी श्रद्धांजलि पेश की है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको गौतम नवलखा की एक कविता सुनाते हैं, खुद उन्हीं के शब्दों में। आप इस कविता को देख के खुद फैसला कीजिए कि 67 साल के इस वृद्ध को इस समय जेल से छोड़ा जाना चाहिए या जेल में ठूसा जाना चाहिए। पाश की ये कविता दोस्तों के नाम, उसका शीर्षक है हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की लीकें अब भी बहती हैं चीखती हुई धरती पर। ये काम हमारा नहीं बनता, प्रश्न नाचता है, प्रश्न कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े पट्टों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक जब तक बीरू बकरियां बकरियों का मूत पीता है, खिले हुए सरसों के फूलों को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर हम लड़ेंगे, जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने को हम लड़ेंगे साथी। जेल में जाने से पहले इस व्यक्ति की बहादुरी देखिए, इसका आत्मविश्वास देखिए और आप खुद सोचिए कि क्या इतने बहादुर इंसान को ये सरकार जेल में डालकर डरा सकेगी, धमका सकेगी, उसकी आवाज को दबा सकेगी। गौतम नवलखा के साथ प्रोफेसर आनंद तलतुंबड़े को हिरासत में लिया गया, उनको भी सरेंडर होने के लिए कहा गया। उनके बारे में प्रसिद्ध पत्रकार श्री निखिल वागले क्या कहते हैं, ये आप खुद निखिल वागले से सुनिए। आप जानते होंगे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े एक मशहूर विचारक है और गौतम नवलखा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता। इन दोनों को कल 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन दोनों कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुंबई में सरेंडर करें। इनके ऊपर एल्गार परिषद केस में कुछ आरोप है और इनके ऊपर भी UAPA लगाया जाएगा। आपको याद होगा मैंने न्यूज क्लिक के लिए बहुत सारे वीडियोस किए हैं इस केस पर, एल्गार परिषद केस पर, और मैंने आपको बताया है ये किस तरह से फैब्रिकेटेड केस है। पहले ही 2 साल से इस केस में UAPA के अंदर सुधा भारद्वाज, सुधीर ढवले और अन्य जो 6 कार्यकर्ता है जेल में है। 2 साल में इस केस की बहुत ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई है और इनको बेल भी रिजेक्ट किया गया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जब इनको अरेस्ट किया गया तब डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा को अरेस्ट नहीं किया गया, उनको कोर्ट ने कंसेशन दिए। ये लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी की तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पुलिस के सामने सरेंडर हो जाइए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है।
मैं मानता हूं कि हमें न्यायपालिका के प्रति आदर दिखाना चाहिए, लेकिन कैसे आदर दिखाए? क्योंकि इस तरह के गलत फैसले अगर न्यायपालिका करेगी तो आदर दिखाना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं नाराज हूं सुप्रीम कोर्ट के प्रति। सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि इस देश में जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा करे, इस देश के संविधान की रक्षा करे और इस देश में जो कानून का राज चलता है उसको और सशक्त बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े का एल्गार परिषद केस से कुछ भी संबंध नहीं है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े एल्गार परिषद में शामिल भी नहीं हुए थे। उस दिन वो पुणे से निकल गए, अपने घर गोवा में गए। आपको मालूम होगा आनंद तेलतुंबड़े एक अंबेडकरवादी विचारक है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। एल्गार परिषद का जो मामला है, एल्गार परिषद का पूरा कैंपेन है, उसके प्रति भी इन्होंने कुछ एक क्रिटिसिज्म लिखा था। इनका एल्गार परिषद को सपोर्ट नहीं था, फिर भी मोदी सरकार ने अन्य 8 जो एक्टिविस्ट है उनके साथ डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को इस पूरे केस में फंसाया और आज गौतम नवलखा के साथ कल उन्हें सरेंडर होना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है तेलतुंबड़े और नवलखा के लिए, क्योंकि दोनों का इस केस में कोई संबंध नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों की विचारधारा नक्सलाइट विचारधारा है, मुझे लगता है इस देश में किसी भी विचारधारा के प्रति आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है। और जिन्होंने आनंद तेलतुंबड़े की किताबें पढ़ी है वो ये भी नहीं मान सकते कि वो नक्सलाइट है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर श्रद्धा रखते हैं। इनको नक्सलाइट ठहराना, इनको इस तरह से केस में फंसा देना, ये मोदी सरकार की गहरी चाल है। हाँ तो दोस्तों, गौतम नवलखा हो या सफूरा जरगर, आनंद तेलतुंबड़े हो या मीरान हैदर, ये सब उसी साजिश का शिकार हैं जिसका जिक्र अभी आप इस वीडियो में देख रहे थे। अब आपको मेरे उस पहले वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि फिलहाल हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपके पास कुछ और नए प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ये सही समय था? क्या हमारे गृह मंत्री इस समय अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या उनको कोरोना से लड़ने के बजाय अपने ही लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में करनी चाहिए और जबकि कोर्ट का सिस्टम पूरी तरह से नहीं चल रहा है, जबकि वकीलों के लिए मदद लेना और उसके लिए दौड़ धूप करना लॉकडाउन के वजह से बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे में लोगों को गिरफ्तार करना ये वीरता है या कायरता है? इन प्रश्नों पर आप खुद विचार करें और मुझे आज्ञा दें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।